ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुख कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, मध्य प्रदेश में 3 चरण में पंचायत चुनाव होने हैं और 25 जून को पहले चरण का मतदान है, 1 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 8 जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, लागू हो चुकी है और साथ ही मध्य प्रदेश में 3 चरण में पंचायत चुनाव होंगे और 25 जून को पहले चरण का मतदान होगा, वहीं 1 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। पहला 25 जून को पहला चरण, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई, यानी ये जो वोटिंग है पंचायत की वो 8 जुलाई को संपन्न हो जाएगी। इसके बाद जो मतगणना है, जो मतदान केंद्र पर होगी वो उसी दिन होगी। तो जहाँ 25 को वोट है 25 को मतगणना होगी, 1 को वोट है 1 को होगी, 8 को वोट है 8 को होगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है उसकी जो मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर होनी है वो 28 तारीख को होगी, 28 जून को। विकासखंड मुख्यालय पर जो मतगणना होगी वो पहले राउंड की 28 को, दूसरे राउंड की 4 को, 4 जुलाई और तीसरे राउंड की 11 जुलाई, यानी जो भी वोटिंग का दिन है उससे 3 दिन लेकर के आप डेट ले सकते हैं। नितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रदीप माहौर और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। लेकिन नितेंद्र, सबसे पहले क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां हैं, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अभी ये चुनाव उतना ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि ये भी एक चुनौती है, ये भी एक परीक्षा है प्रशासन के लिए। देखिए कई तरीके, क्योंकि इस चुनाव में अभी जो है वो कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। चुनाव की जो तिथि डिक्लेयर हुई है वो 25 जून है, 1 जुलाई है और 8 जुलाई है। और जैसा एक कहा जा रहा है कि इस बार मानसून जो है वो जून के दूसरे हफ्ते में मध्य प्रदेश में आ जाएगा, तो 25 जून 1 जुलाई और 8 जुलाई तक हो सकता है किसी किसी क्षेत्र में काफ़ी मानसून आ जाए, काफ़ी पानी गिर जाए, तो वो भी एक परेशानी का, चुनौती का इसे कहें कि सामना प्रशासन को करना है। क्योंकि बारिश में कई तरह के राहतकार ग्रामीण क्षेत्रों में चलाना पड़ता है और बारिश अचानक कई बार ज़्यादा आ जाती है, तो ये चुनौती प्रशासन के सामने रहेगी इस बार। क्योंकि जून में ही और जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी कई बार काफ़ी बारिश हो जाती है, तो ये एक चुनौती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जल्दी से जल्दी चुनाव कराने का, इसलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त भी उसके सामने जो है वो उनका कोई बस नहीं है, कहें कि उनको चुनाव की तिथि घोषित करना ही था और उसी के बाद नगरीय निकाय की चुनाव की तिथि भी घोषित होना है। तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन के सामने अब की चुनौती है, क्योंकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है चुनाव कराना। लेकिन चुनाव कराने के साथ ही आपको जो है वो बाकी राहत कार्य, यदि बारिश हो जाती है या कोई ऐसी कोई बात होती है तो वो भी साथ में चलाना है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से चुनाव प्रशासन के सामने चुनौती है। वही राजनीतिक दल जो हैं उनकी लेकिन लंबे समय से चुनाव पर निगाह लगी हुई थी, तो इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन हो रहा है। एक हाईटेक कार्यालय जो है वो भाजपा कार्यालय में बनाया गया है जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर निगाह रखेगा। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी पिछले दिनों देखा जाए तो काफ़ी नए परिवर्तन करे हैं, नई मीडिया कमेटी बना दी है कांग्रेस ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों में भी चेंज हुआ है, नए नेता प्रतिपक्ष भी बने हैं। तो स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो इन सारे लोगों का ये एक लिटमस टेस्ट होगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। बिल्कुल, 2024 से पहले पहले, 2023 की तैयारियों से पहले ये दोनों बड़े चुनाव, लेकिन उससे पहले ये सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर है। प्रदीप माहौर जी, क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक तौर पर भी इसको लेकर के इससे पहले मंथन किया जा चुका है, लेकिन मंथन के जरिए अमृत कुछ निकलता हुआ नजर आया, रणनीति क्या रहेगी? अब प्रत्यक्ष तौर पर भी चुनाव होने हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर जिस तरीके से माना जा रहा है कि पंचायतों में चुनाव होंगे, तो क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत आपको नजर आती है या उसी रणनीति पर चलने की तैयारियां हैं? देखिए, स्ट्रेटजी में सबसे बड़ा तो बदलाव की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सदा एक स्ट्रेटजी रही है कि जनता जो है वो मुख्य है चुनाव में। जनता जो है अपने वोट के रूप में आहुति देती है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव नहीं होता, डायरेक्ट पार्टी का इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं होता है, तो फिर भी वहां पे जितने भी लोग जो प्रत्याशी रहेंगे उनके समर्थन के लिए लोग घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे, उनको विकास जो हुआ है उसके बारे में बताएंगे और बाकी पार्टियां भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगी। अब जनता मुख्य रूप से देखेगी कि क्या हमने किया है, कितना अच्छा हम कर पाए हैं,
जिस प्रकार से पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यहाँ पे पूरे भारत के अंदर हमारे जो बता रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी ने राष्ट्र के नाम संदेश में बोला था कि हम 1 रुपया पहुंचाते हैं और 10 पैसे पहुंचता है। इतनी बुरी तो हालत हुआ करती थी। आज हालत सुधर के ऐसी हो गई है कि अगर हम 1 रुपया पहुंचाते हैं, बड़े गर्व के साथ मैं बोल रहा हूं कि वो 1 रुपया अगर हम पहुंचाते हैं तो जनधन योजना के जो अकाउंट खुले हुए हैं, जो डायरेक्ट ट्रांसफर टू बेनिफिशियरी जो स्कीम चला रखी है, उससे कोई भी सब्सिडी या किसी कोई भी राहत जो है वो डायरेक्टली जो है वो जनता के पास पहुंचती है। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो भारत के अंदर आया है। आप सोच के देखिए कि किसी कोई व्यक्ति एक ट्रैक्टर खरीदता है गांव के अंदर, और पहले क्या होता था कि उसने खरीदा और उसके ऊपर उसको जो पैसा सब्सिडी का लेना है उसके लिए भी पैसा खिलाना पड़ता था। यहाँ पे किसी के पास नहीं जाना है, उसको किसी से बात नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रकार की जब बड़ी चीजें जो होती हैं, जब सॉल्व होती हैं, तो छोटी छोटी समस्याएं अपने आप रिजॉल्व होती हैं। जैसे कि हमारे कांग्रेस के अभी जो प्रवक्ता हैं वो बता रहे थे कि फलानी जगह पे डेवलपमेंट हुआ है, फलानी जगह पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देखिए क्या है, डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हम कभी नहीं कह सकते कि भारत का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो गया। जिस दिन क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन बन जाती है, उस दिन मैं जरा जल्दी से एक सवाल का आपसे जवाब लेना चाहता हूँ, उसके बाद मैं वापस योगेश गुप्ता जी के पास पहुंचूंगा। लेकिन प्रदीप माहौर जी, एक चीज तो बताइए कि विधायकों में असंतोष तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो बैठकें हुई उसमें चर्चाएं कुछ ऐसी भी निकल करके सामने आई थी कि विधायक ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट चुनाव हो, और अगर डायरेक्ट चुनाव होते हैं तो विधायकों की जो साख है, जो रसूख है, जो दबदबा बना रहता है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, कौन नहीं चाहता कि चुनाव हो। चुनाव तो देखिए, जनता जो है आज जो ग्राम पंचायत के चुनाव है और क्या है कि नगर निगम के जो चुनाव है, वो अगर होंगे तो जनताओं की समस्याओं को सुनने के लिए वहां पे प्रत्याशी लगातार डायरेक्ट बैठेंगे। और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी पार्षद चुन के आते हैं या फिर ग्राम प्रधान चुन के आते हैं या पंच चुन के आते हैं, उनका और विधायक सांसद सबका आपस में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खैर क्या है कि ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसको मानता हूं कि ये बिल्कुल फेक बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी के विधायक सांसद सभी संतुष्ट हैं। ठीक है, मैं जरा एक रिएक्शन ले लेता हूं। योगेश गुप्ता जी भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। योगेश गुप्ता जी, अब आपने ये देख लिया कि बीजेपी तो इस फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट है। प्रणाली चाहे कोई भी हो, वो हर रणनीति के साथ, हर प्रणाली के लिए अपनी रणनीति के साथ तैयार भी हैं। कांग्रेस पार्टी की इसमें सोच क्या है, कैसे आगे इस चुनाव को वो देख रहे हैं, क्योंकि यही वो चुनाव है जो आगे 23 और उसके बाद 24 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। निश्चित रूप से शुभेंदु जी, कांग्रेस पार्टी पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ इन चुनाव मैदान में जाएगी। मेरा मित्र अभी कह रहे थे कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी का उदाहरण दिया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना करी थी भारत में, और उनका ये मूल सपना था कि ग्राम पंचायतों को, ग्रामीणों को उनके अधिकार पंचायत स्तर पर दिए जाए ताकि उनको संभाग और जिलों तक आने की संभावना ही नहीं हो, नौबत ही नहीं आनी पड़े। ये मेरे मित्र कह रहे थे 1 रुपए में 15 पैसे, मैं कहता हूँ आज 1 रुपए का पूरा 1 रुपए ही हजम हो रहा है। शिवराज जी कह रहे थे कि 22 करोड़ लोगों का हम कर्ज माफी का ब्याज माफ करेंगे, 1 रुपए किसी के खाते में नहीं पहुंचा। ये है इनका डिजिटलाइजेशन। आज भी गांव में सड़कों का अभाव है, पेयजल नल जल योजना की जो पिछले साल आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से जानकारी निकल कर आई थी, 250 नलकूपों में 50 कनेक्शन हुए, 200 का केबल बिलिंग की गई और वो करोड़ों का भ्रष्टाचार। लाडली लक्ष्मी योजना में 55 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव के साड़ू ने किया। तो इस प्रकार की तमाम योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी और उनके नेतागण भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं। ग्राम पंचायत छोटी सरकार के चुनाव में क्या ये बड़े बड़े मुद्दे उठाएंगे आप? कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनाव के अंदर जाने की तैयारी कर रही है? कांग्रेस पार्टी ग्रामीण स्तर पर जो उनकी मूलभूत सुविधाएं जिनसे हमारे ग्रामीण वंचित हैं, उनको लेकर जाएंगे। सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, गैस और पेट्रोल डीजल तो एक तरफ छोड़िए, किसानों की लाचारी आज सर्वाधिक परेशान गांव में अगर कोई है तो हमारा किसान नहीं। लेकिन अक्सर चर्चाएं होती है ना कि छोटी सरकार के चुनाव के लिए तो बुनियादी जो इलाके की जो परेशानियां हैं, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, इस पर पूरा चुनाव केंद्रित रहता है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बिजली, हाँ ठीक है, महंगाई को लेकर, ठीक है, मैं वापस से आता हूँ, जरा वापस से आता हूँ, प्रदीप जी से रिएक्शन लूंगा, प्रदीप जी से रिएक्शन लूंगा। लेकिन जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जितेंद्र,
लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर चुनावों की तैयारियों के साथ साथ एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। प्रशासन के सामने चुनौती है, जैसा कि इससे पहले भी जानकारी मिल रही थी कि अगर मौसम बिगड़ता है, मौसम खराब होता है, बारिश होने की संभावनाएं अगर बनती हैं, तो इस दौरान चुनाव संपन्न कराना यह प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। योगी जी, आता हूं। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने अपना जो प्रेस रिलीज आज दी है, जो अपनी प्रेस रिलीज दी, हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार से बारिश को लेकर जो समस्या सामने निकल कर आई है और उसकी जो जानकारी भी है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने इस प्रेस रिलीज में दी है। कहा है कि मौसम विभाग के अलावा जो कलेक्टर हैं उनसे भी बात की गई है और ऐसे में उपयुक्त व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार से बारिश की जो स्थिति है उससे जो मतदाता हैं उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि साफ तौर पर उनका कहना था कि ऐसे में जो मतदान का दल जाता है वो कहने के ग्रामीण क्षेत्रों में उस समय फंस सकता है जब वहाँ पर बारिश हो रही हो, मिट्टी का क्योंकि वो क्षेत्र होता है, मिट्टी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है और ऐसे में जो उनके वाहन है वो फंस सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तारीखों का इस समय ऐलान किया गया है, यानी कि 25/6/2022 शनिवार के दिन जो मतदान होगा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है जो बारिश को लेकर वो 1 जुलाई 2022 और 8 जुलाई 2022 यानी कि दूसरे और तीसरे चरण का जो मतदान है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों भरा हो सकता है, क्योंकि इन तारीखों के आधार पर ये माना जा सकता है कि यहाँ पर जो मौसम है वो बिगड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि अधिकांश जलागाहों पर हाल ही में जो बारिश है उसकी स्थिति भी देखने को मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से चूंकि अगर ऐसी स्थिति ना हो इसको लेकर जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि देखिए मतदान तो हो जाएगा तीन चरणों में और तीन चरणों में मतदान होने के बाद जो तारीखें हैं उसका भी ऐलान हो चुका है 25/1 और 8 और इनकी जो काउंटिंग है वो भी 28/4 और 11 अलग अलग जगह समय पर जो काउंटिंग वो होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही निकल कर आ रही है कि जो मानसून है, जो मानसून काफ़ी तेज़ी से आने की बात हो रही है और इस प्रकार से साथ ही साथ यहाँ देखा जा रहा है कि मौसम विभाग भी पहले कह चुका है कि जो मतदान है उसको कराना बेहद ज़रूरी है। और ये देखिए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने ये भी यहाँ पर स्पष्ट करा था ये माना था कि कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है मजबूरी में इस समय उनको कराना पड़ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, क्योंकि बारिश का समय है ऐसा कहने के प्रशासनिक अधिकारियों को भी पता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं उसके बाद ही हम जो कार्यवाही है वो कर रहे हैं और उसी के आधार पर जो मध्य प्रदेश में चुनाव है वो करा रहे हैं। बिल्कुल, कोर्ट की डेडलाइन भी है और उसी डेडलाइन का पालन करते हुए राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ये बड़े कदम और जल्दी जल्दी इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं प्रदीप पावर जी से, योगेश जी उसके बाद आता हूं जरा आपके पास। प्रदीप पावर जी, अब सवाल तो ये है कि जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बुनियादी चीजें हैं, उनको लेकर के सवाल उठेंगे, ये लोगों के बीच में सवाल उठेंगे कि क्या असल मायने में पानी पहुंच पाया, क्या सड़कें बन पाई, क्या जो बेसिक फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए थी क्या वो मिल पाई है। और योगेश गुप्ता जी तो ये कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा भी उठाएंगे, तमाम दूसरे जो अन्य विषय हैं उनको भी जनता के सामने रखेंगे। क्या आपको लगता है कि छोटी सरकार के चुनाव में ये जो बड़े मुद्दे हैं ये हावी रहेंगे? देखिए बड़े और छोटे सारे मुद्दे हावी रहेंगे। कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस का सिर्फ एक मुद्दा है, कांग्रेस के पास में एक यूनिवर्सल मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कुल मिलाकर, तो उनकी बात छोड़ दीजिए। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे रहेंगे वो जनता से जुड़े हुए मूलभूत मुद्दे रहेंगे। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां पे कार्य कर पाई, वहां पे प्रत्याशी जो हैं वो जनता का साथ दे पाए, छोटी छोटी समस्याओं को उनकी रिजॉल्व कर पाए, उनके लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट कर पाए, उनके लिए उनका जो नाली और निकासी जो है जल की उसका व्यवस्था कर पाए, उनके यहाँ पानी की व्यवस्था कर पाए, ये छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो ही इन पंचायत चुनाव हुए चाहे नगर निगम के चुनाव हुए इसके अंदर हावी रहते हैं हमेशा, और जनता भी इन्हीं को देखते हुए वोट करती है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज तक काम किया है, एक मिनट पूरा कंप्लीट करने दीजिए मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है आज हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश की जो पूरा का पूरा स्वरूप है वो बदल के आ गया है, और ये जो है ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस कितना मर्जी लेके चली जाए वो तो विरोध करना उनको मालूम है, एक विरोधी पार्टी है जो कि वो तो कह रहे हैं कि महंगाई भी है, कुछ बेरोजगारी भी है, क्या ये मुद्दे नहीं है, हावी नहीं होंगे क्या चुनाव के? नहीं नहीं, क्या है कांग्रेस जब थी तब तो बेरोजगारी बिल्कुल भारत में थी ही नहीं, ठीक है, कांग्रेस जब थी उस समय पे बिल्कुल महंगाई बढ़ती ही नहीं थी, है जो कुछ किया भारतीय जनता पार्टी ने आके अच्छा भी कर दिया है ना, तो क्या है कि अभी उनके पास में देखिए मुद्दे विहीन हो चुकी है कांग्रेस, ठीक है, योगेश जी काउंटर जवाब, मुद्दे विहीन है कांग्रेस। देखिए शुभेंदु जी, बड़ा ही हास्यास्पद बयान है मेरे मित्र का, अगर मैं इनके विकास की बात करूं तो
तो मानसून सत्र में जो चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं वहां एक तरफ थोड़ा मतदान जरूर प्रभावित होगा, लेकिन इनके 17-18 साल के कुशासन की पोल भी यही मानसून सत्र खोलने वाला है। कितना विकास हुआ यह जिला स्तर, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और तहसीलों में देखने को मिलेगा। कोविड काल के दौरान किस प्रकार एम्बुलेंस का अभाव था, किस प्रकार मरीजों को कंधे पर सिलेंडर रखना पड़े थे, किस प्रकार अस्पतालों की बुनियादी व्यवस्थाएं लचर हालत में थी, ये ग्रामीण अच्छे से जानते हैं। कुपोषण के माध्यम से ग्रामवासियों की, नौनिहालों की क्या हालात है, आंगनबाड़ियों की क्या स्थिति है, ये सब उजागर होने वाली है इन ग्राम पंचायत के चुनाव में। यकीन मानिए इस बार का जो हमारा ग्रामीण है वो काफी परेशान है, हताश है, लेकिन उत्साहित है। नहीं तो सरकार कह तो रही है कि हमने ग्राउंड जीरो तक जाकर के काम किया है, विकास के काम किए हैं। जी दिखेगा, अभी जब ड्यूरिंग द इलेक्शन वो सब विकास आपको दिखेगा। हाँ। कितना विकास किया इन्होंने, कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति है, कहाँ कहाँ मतदान नहीं हो पा रहा है, कहाँ कहाँ मतपेटियां प्रभावित हो रही है, कहाँ मतदान कर्मचारियों को जाने आने में असुविधा हो रही है और कहाँ गाड़ियां फंस रही है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। प्रदीप बावर जी, एक तरह से प्रदीप जी जवाब दीजिए, सरकार की पोल भी, सवाल तो ये उठ रहा है कि बारिश आने दीजिए, इसी बात का इंतजार वो कर रहे हैं कि बारिश आएगी और सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। नहीं, कोई पोल पट्टी नहीं खुलेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, जो विकास हुआ है उसको सब लोग देख रहे हैं। सुभेंदु जी देखिए, पूरी बात पूरी कर ली, 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं है गांव में, आज हमारा ग्रामीण इलाका 10-10, 12-12 घंटे बिजली का अभाव है। कांग्रेस ने बिजली का अभाव राज्य बना के रखा हुआ था, बिजली की कटौती राज्य बना दिया। देखिए बीमारू राज्य को आपने दम तोड़ दिया, दम तोड़ती हुई लोग नजर आए थे, 1,70,000 होते कोविड काल का, जनता बोलती है यही तो समस्या है। ये 17 साल का शिवराज को शासन था, जनता पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को लूट रही है। चलिए ठीक है, लेकिन मानसून की तैयारियों से पहले इन सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लेना, ये व्यवस्थाओं को तय कर लेना प्रशासन की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जितेंद्र, लेकिन अभी इस पर क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अमलों के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज को स्वीकार भी कर लिया गया है, समय बहुत कम है, और अगर ऐसे में व्यवस्थाएं कहीं पर मौसम खराब होता है, बारिश अगर होने लगती है, तो व्यवस्थाएं तय रहें, जो वोटर्स आ रहे हैं मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे उनके लिए व्यवस्थाएं किसी भी तरीके से खराब ना हो, ये बड़ी चुनौती है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती यही है इस समय वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारियों के पास, क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव पूरी तरीके से बरसात के मौसम में हो रहे हैं। मेरे पास पूरे 52 जिलों का जो डाटा है वो इस समय मौजूद है कि किस जिले में किस कौन सी ग्राम पंचायत है जहां पर पहले चुनाव होगा, पहले चरण में, दूसरे चरण में कहां होगा, तीसरे चरण में कहां होगा। हालांकि हम भोपाल की बात करें तो फंदा और बैरसिया की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वो पहले चरण में ही कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो पहली तारीख है 28 तारीख है तो उसी दौरान जो चुनाव हैं वो हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिक्कत जाएगी वो अन्य चरणों में जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे चरण का और तीसरे चरण का जब चुनाव होगा, और मध्य प्रदेश में से कई ग्रामीण इलाके हैं जहां पर आज तक सड़क भी नहीं बनी है, कई जगह तो ऐसी हैं कि मिट्टी और कहीं ना कहीं गंदगी का जो अंबार है वो आज भी वहां पर लगा हुआ है। और जब ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान दल पहुंचेगा, जब वहां बारिश हो जाएगी, बारिश होने के बाद जब वहां पर जो मतदान दल है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, क्योंकि देखिए नदियां भी उफान पर होती हैं। हमने देखा था एक साल पहले की अगर हम बात करें तो शिवपुरी के पास किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति बनी थी, काफी जो ज्यादा गांव थे वो क्षतिग्रस्त हुए थे, कई गांवों से संपर्क तक टूट गया था। तो ऐसे में अगर बारिश एकदम से एक साथ काफी तेजी से हो जाती है, और जिन ग्रामीण क्षेत्रों का नाम इस लिस्ट में मौजूद है, अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई नदी वहां पर चढ़ जाती है, किसी प्रकार से पर कोई बारिश की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो आखिर मतदान दल को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ। तो अब ऐसे में कहने कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके सामने जितेंद्र, ये तो पहले भी देखा गया है, जब भी बारिश आती है तो बहुत तबाही लेकर के आती है और बहुत ज्यादा नुकसान भी इससे होता है, लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अगर बारिश होती है और तेज बारिश होती है, इससे नुकसान ज्यादा होता है, तो ऐसे में चुनाव संपन्न कराना ये तो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुश्किल काम बारिश के समय ही होगा, क्योंकि हमने अधिकतर समय में देखा है, कई बार हम लोगों ने जाके बाढ़ की और बारिश की रिपोर्टिंग की है, इस बार हमने देखा है कि जो मॉनसून है उसकी जो गतिविधियां हैं वो वर्तमान में ही देखने को मिल रही हैं। आज भी आप देखिए कि जो तापमान है वो लगातार नीचे जा रहे हैं, तापमान कम होते जा रहे हैं, और ऐसे में कई जगहों पर तो बारिश भी हमने अभी देखी, हाल ही में जो रिपोर्ट निकल कर आई थी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में जो बारिश है उसकी स्थिति बनी हुई थी, अलग अलग जगहों पर बारिश की जो स्थिति है वो बनी हुई है, कहीं 4 मीटर तो कहीं 5 सेंटीमीटर का तो पानी है वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इसकी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ सकता है।
अब ऐसे में देखना ये होगा, देखिए सबसे बड़ी चुनौती वाली बात तो यहाँ पर यह होगी कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में बारिश अत्यधिक मात्रा में हो जाती है, वहाँ से सड़क मार्ग का संपर्क टूट जाता है या फिर वहाँ पर मतदान जो दल है वो पहुँचने में असक्षम होता है, तो आखिर वहाँ की क्या स्थिति बनेगी, वहाँ की क्या रणनीति बनाई जाएगी, वहाँ के जो चुनाव होंगे वो क्या आगे बढ़ाए जाएंगे, उनको टाला जाएगा या फिर कभी और चुनाव कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर कहीं पर चली मान लीजिए कम बारिश होती है, मतदान दल यहाँ से रवाना हुआ और वहाँ पर समय पर नहीं पहुँच पाया, तो उस समय भी आपको हंगामे का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा, जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्था है वो इस बार आपको करनी पड़ेगी। बारिश लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में आते आते ये बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो कैसे बदल जाएगा या कितना विकराल रूप दिखाएगा ये किसी को मालूम नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ज्यादा चुनौतियां रहेंगी और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है, और बारिश के समय चुनाव कराना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, सभी के लिए चुनौती है ये, लेकिन इस चुनौती को हम लोग पूरी तरीके से निभा के इसको पूरा करेंगे, ऐसा पूरा पूर्ण विश्वास है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था कि पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से मुद्दे विहीन है, आपने इनसे पूछा कि आप जनता के लिए क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने की बातें करने लग गए, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं कांग्रेस पार्टी की गलती ही यहां पे है, ना तो इनका जनता के साथ जुड़ाव है, ना जनता की समस्याओं को ये जानते हैं, ना जनता की समस्याओं का निराकरण करना जानते हैं, सिर्फ जनता को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने की बातें करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने अपने आप को एक सेकंड ऑप्शन बना के रखा हुआ है कि अगर हमने भड़काने में सफल हो गए, किसी तरीके से किसी को हम बरगलाने में सफल हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि वो अच्छी तरीके से जानती है कि उनका भला किसमें है और कौन उनके साथ में खड़ा हुआ है, किस प्रकार से कोविड के समय में जन जन को जिस तरह से टीकाकरण का अभियान चलाया गया, पूरे भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया गया, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है, पूरा विश्व इसकी तारीफ कर रहा है, कांग्रेस जो है इसकी बुराई कर रही, करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो सिर्फ उनका मुद्दा ही वो है भारतीय जनता पार्टी का विरोध, जबकि ये बोलते हैं कि चलो इन्होंने ये काम अच्छा किया, हम लोग ये ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर कुछ इस तरह की कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेके जाते, ये पार्टी का कोई पक्ष नहीं है, ठीक है प्रदीप जी, मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन अगर देखा जाए इस पूरे चुनाव की जो सियासत है, जो पूरे चुनाव का रण है, उसमें असल मुद्दा जो है वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के ही था, चुनाव मतलब आरक्षण। लेकिन योगेश गुप्ता जी, अब आप इस आरक्षण से संतुष्ट हैं क्या, जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए जिसको लेकर इससे पहले भी आप सवाल उठाते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही दिशा में है? देखिए, ओबीसी आरक्षण पे ओबीसी वर्ग का हित करने वाली भारतीय जनता पार्टी इन आरक्षण के माध्यम से स्पष्ट रूप से इनकी नियत उजागर हो गई है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, 32 जिलों में पहले ओबीसी की 114 सीटें हुआ करती थी, अब बची 45, पहले जनपद अध्यक्ष 56 होते थे, अब बचे 30, जिला जनपद सदस्य 168 होते थे, अब बचे 107, जनपद सदस्यों की संख्या 1280 होती थी, अब बचे 771, सरपंच 4023 होते थे, अब 2985, मतलब 1100 से ज्यादा सरपंच के वो खत्म हो गए। श्योपुर जिला है एक जिसमें ओबीसी वर्ग के 11 लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और नेता बार बार कह रहे हैं कि हमने आरक्षण तो बढ़ा दिया, हमने पहले के मुकाबले जो संख्या थी वो बढ़ा दी है। और मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस अपने कार्यों का उल्लेख नहीं करती, माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 11 महीने में किसानों का 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया, उनके बिजली के बिल हाफ किए, इंदिरा गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली दी, पंडितों का मानदेय डबल किया, वृद्धावस्था पेंशन डबल करी, किसानों का उत्थान किया, आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाया, ये सारे उल्लेखनीय कार्य कमलनाथ जी ने करके दिखाए हैं। और ग्रामीण भली भांति परिचित है कि 17-18 साल से उनका दोहन करने वाली भारतीय जनता पार्टी शासित शिवराज सरकार किस प्रकार उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा है। जनता को तय करना है, जनता को तय करना है, वो जनता तय करेगी। प्रदीप पावर जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन, आरक्षण को लेकर के आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले आरक्षण कम हो गया ओबीसी का। बड़ी बात बोलना चाहता हूं, कुछ बड़ी बात बोलना चाहता हूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश जी से बोलूंगा कि जरा 2 मिनट शांति रखें, बीच में ना बोले कृपया करके, है ना, सम्मान करता हूं। देखिए कैसा है कि ये जो आरक्षण की बात हो रही है बार बार, बीडी शर्मा जी जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने, दोनों ने एक बात बिल्कुल एकदम साफ कर दी है कि जो भी टिकट वितरण होगा वो टिकट वितरण जो है वो वहां पे 30% जो बात रखी थी उसके ऊपर
वहां पे ओबीसी को मौका दिया जाएगा वहां पे आने के लिए। तो भारतीय जनता अल्टीमेटली देखिए, हम लोग जब आरक्षण की बात करते हैं इसके अंदर चुनाव में तो क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व की। अगर ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो रहा है तो किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आरक्षण लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मैं तो ये बोलता हूं आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पार्टियां प्रतिनिधित्व नहीं देती हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो हैं वो प्रतिनिधित्व नहीं देती हैं लोगों को, वो उनको आरक्षण लाना पड़ता है इनके लिए, हमारे लिए नहीं लाना पड़ता है। हमारे यहां पे आप देखेंगे जो यहां पे कैंडिडेट खड़े होंगे, एक सेकंड ये फालतू की चीजें मत करिए बीच में, मैंने आपको बोला आपको मौका आएगा आप अखबार दिखाइए। तो चलिए ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रुक रहा हूँ। खैर बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का और हमारे संवाददाता जितेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत शुक्रिया सभी का। लेकिन बड़ा सवाल है कि निकाय चुनाव की जो जंग है वो किसके लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित होती है और किसके लिए नुकसान का, लेकिन ये आने वाले समय के ऊपर निर्भर करता है कि किस राजनीतिक दल की तैयारियां कितनी मुकम्मल है और जनता के बीच में जाकर के वो क्या बड़े वादे करते हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।